गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक इज़ बैरियर टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन। बच्चे नेक्स्ट हैगे कम्युनिकेशन की बैरियर्स आते हैं, ठीक है। इनू फोर पार्ट्स विच डिवाइड कराया गया है। फर्स्ट हैगा सिमेंटिक बैरियर, सेकंड हैगा बच्चे साइकोलॉजिकल और इमोशनल बैरियर, थर्ड हैगा ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर एंड फोर्थ हैगा पर्सनल बैरियर। फर्स्ट हैगा बच्चे तुहाडे कोलों सिमेंटिक बैरियर, ठीक है बच्चे। हुण बैरियर्स विच की हुंदा बच्चे, हमेशा एक पॉसिबिलिटी रहिंदी हैगी है मिसअंडरस्टैंडिंग दी या गलत मीनिंग समझण दी, ठीक है। कई बार की हुंदा बच्चे, वर्ड्स या साइंस असी चंगी तरह एक्सप्लेन नहीं हुंदे या रिसीवर उसनू गलत समझ लैंदा हैगा, तां उसनू क्या किया जाता हैगा बच्चे, सिमेंटिक बैरियर किया जाता हैगा, ठीक है। हुण इहदे विच क्या हुंदा सिमेंटिक बैरियर विच, कि एक पॉसिबिलिटी रहिंदी हैगी है हमेशा मिसअंडरस्टैंडिंग दी या गलत मीनिंग मीनस गलत मीनिंग समझण दी, ठीक है। कई बार वर्ड्स या साइन जिहड़े हैगे आ असी चंगी तरह एक्सप्लेन नहीं कर पाते या रिसीवर उसनू चंगी तरह समझ नहीं पाता या गलत समझ लैंदा हैगा, उसनू क्या कहा जाता हैगा, सिमेंटिक बैरियर्स किया जाता हैगा। फर्स्ट हैगा बच्चे इहदे विच बैडली एक्सप्रैसड मैसेज, ठीक है। हुण बैडली एक्सप्रैस मैसेज होण करके कम्युनिकेशन विच बैरियर आता हैगा, ठीक है। जदों सेंडर मैसेज की चंगी तरह इंटरप्रिटेशन नहीं कर पाता या गलत वर्ड्स नू चूज़ कर लैंदा हैगा, तां जिहड़ा ये बैरियर हैगा कम्युनिकेशन विच अराइज होंदा हैगा, ठीक है। नेक्स्ट हैगा बच्चे सिंबल और वर्ड्स विद डिफरेंट मीनिंग। हुण कुछ वर्ड्स दे क्या हुंदे, एक तो वध मीनिंग हुंदे हैगे, ते कई बार इस विच कम्युनिकेशन विच बैरियर आ जाता हैगा, ठीक है। कई बारी वर्ड्स क्या होंगे जिदे एक तो ज़्यादा मीनिंग आ होंगे है कि उन्हों का जिहड़ा इंटरप्रिटेशन हैगी वह क्या हो जाती है, गलत वे नाल लै लीती जाती हैगी, तो यह भी क्या हैगा एक कम्युनिकेशन दे विच बैरियर अराइज करता हैगा, ठीक है। थर्ड हैगा बच्चे फॉल्टी ट्रांसलेशन। ये हैगा बच्चे एक मैनेजर ने सबॉर्डिनेट तो टॉप लैवल तक तो टॉप लैवल तो सबॉर्डिनेट तक इनफॉर्मेशन फ्लो करनी होंगी हैगी है, तो कई बार मैनेजर सबॉर्डिनेट्स या सुपीरियर के मैसेज नू ट्रांसलेट चंगी तरह नहीं कर पाता, ठीक है, जो उन्हें कन्वे करना होंदा हैगा, तो यह क्या करता हैगा बैरियर एक तरह का अराइज हो जाता है कम्युनिकेशन दे विच, ठीक है। कई बार मैनेजर उस चीज़ नू चंगी तरह नहीं दस पाता उन्होंने, तो यह क्या करता हैगा बैरियर अराइज हो जाता हैगा कम्युनिकेशन विच। अगे हैगा अनकलैरीफाइड एजम्पशनस। अनकलैरीफाइड एजम्पशन विच क्या है बच्चे, कई बार सेंडर ये अज्यूम कर लैंदा हैगा कि रिसीवर नू मैसेज रिगार्डिंग बेसिक जिहड़ी बेसिक नॉलेज हैगी है वह पता होगी, ठीक है। तो सेंडर सीधा ही मेन मैटर कम्युनिकेट करन दी कोशिश करता हैगा, ठीक है, जिस नाल क्या हुंदा बच्चे कम्युनिकेशन विच बैरियर अराइज हो जाता हैगा, ठीक है, क्योंकि उन्हें पहले ही समझ लिया एजम्पशन ला ली कि उन्हें बेसिक नॉलेज पता हैगी उस चीज़ बारे, उस मैसेज की बेसिक जी है नॉलेज पता हैगी है, तो सीधा ही मेन मैटर पर जाता हैगा, जिस नाल कम्युनिकेशन विच क्या होंदा बैरियर अराइज हो जाता हैगा। नेक्स्ट हैगा बच्चे टेक्निकल जार्गन। इस विच हैगा बच्चे कंपनी दे विच कुछ टेक्निकल वर्करस भी होंदे हैगे, ठीक है, अते वो कई बार टेक्निकल लैंग्वेज यूज़ करते हैं या टेक्निकल वर्ड्स यूज़ करते हैं जो हर एक इंप्लॉई नू समझ नहीं आते, ठीक है, तो जिस नाल कम्युनिकेशन विच क्या होंदा हैगा बैरियर अराइज हो जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हैगा बच्चे बॉडी लैंग्वेज एंड जेस्चर डिकोडिंग। हुण मैसेज नू कन्वे करते हुए बॉडी लैंग्वेज जेस्चर जिहड़े हैगे ये मेन रोल क्या करते हैं प्ले करते हैं, ठीक है। बॉडी लैंग्वेज ते जेस्चर द्वारा बहुत कुछ सेंडर द्वारा एक्सप्रेस किया जाता हैगा, अगर जो किया गया हैगा ते जो एक्सप्रेस किया गया हैगा थ्रू जेस्चर एंड बॉडी लैंग्वेज ये दोनों चंगी तरह रिसीवर नू समझ ना आन तो रिसीवर मैसेज नू चंगी तरह समझ नहीं पाता, जिस करके कम्युनिकेशन विच बैरियर अराइज हो जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हैगा बच्चे साइकोलॉजिकल और इमोशनल बैरियर। हुण ये बैरियर रिसीवर अते सेंडर दी मैंटल कंडीशन नाल रिलेट करते हैगे, ठीक है, उन्हां दी मैंटल कंडीशन दे नाल ये रिलेट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट है बच्चे तुहाडे कोल प्री मैच्योर इवैल्यूएशन, ठीक है। कई बार रिसीवर मैसेज पूरा होने तो पहले ही कुछ मीनिंग जिहड़ा हैगा उन्हूं कढ़न दी कोशिश करता हैगा,
ठीक है। हुन मैसेज पूरा ना होन करके रिसीवर मैसेज नू गलत इंटरप्रेट कर लेंदा है गा, इस तरह जेड़ा ए बैरियर जेड़ा है गा अराइज हो जाता है गा, ठीक है। प्री मैच्योर इवैल्यूएशन कि असी इवैल्यूएशन पहले ही असी इवैल्यूएट कर ली। अगे है गा बच्चे नैक्सट पॉइंट लैक ऑफ अटेंशन, ठीक है। हुन अगर रिसीवर पूरी अटेंशन नाल मैसेज नू नहीं सुनता या वो किसी होर काम विच बिजी हुंदा है गा ता ओ मैसेज नू, ओ जिहड़ा मैसेज नू चंगी तरह समझ नहीं पाता ते ए एक बैरियर बन जाता है कम्युनिकेशन विच, ठीक है। नैक्सट पॉइंट है बच्चे स्टेटस। हुन स्टेटस सुपीरियर ते सबॉर्डिनेट विच एक साइकोलॉजिकल जिहड़ा है डिस्टेंस बना दिंदा है, जिस करके सबॉर्डिनेट सुपीरियर नू फीलिंग अपनियां फीलिंग्स जिहड़ियां हैगियां ओह प्रॉपरली कम्युनिकेट नहीं कर पाते, जिस नाल कम्युनिकेशन विच क्या हुंदा बच्चे बैरियर क्रिएट हो जाता है। नैक्सट हैगा डिस्ट्रस्ट। हुन इहदे विच हैगा बच्चे हमेशा सेंडर ते रिसीवर विच ट्रस्ट होना चाहिदा हैगा, अगर जे उहनां दे विच ट्रस्ट दी कमी हैगी है तां रिसीवर ज़्यादातर मैसेज नूं गलत वे नाल समझदा हैगा ते इह इक कम्युनिकेशन बैरियर बन जाता हैगा, ठीक है। थर्ड पॉइंट है बच्चे ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर। हुन इह बैरियर ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर दे विच डिफॉल्ट कारण बन जाता हैगा, ठीक है। फर्स्ट हैगा ऑर्गेनाइजेशन पॉलिसीज। हुन पॉलिसी दे विच कमी होन करके या गलती होन करके भी कम्युनिकेशन विच प्रॉब्लम आ जाती हैगी है, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन पॉलिसी विच क्या हैगा बच्चे जिद्दां हुन पॉलिसी दे विच कोई भी कमी होन करके या गलती होन करके भी कम्युनिकेशन विच प्रॉब्लम अराइज हो जाती हैगी है, जिवें अगर कंपनी दी पॉलिसी हैगी है कि मैसेज सिर्फ रिटन फॉर्म विच कम्युनिकेट होएगा तां ऑटोमैटिकली कम्युनिकेशन प्रोसैस स्लो हो जाएगा, ठीक है। तो एक तरह का बैरियर हैगा। नैक्सट हैगा बच्चे रूल्स एंड रेगुलेशन, ठीक है। कंपनी दे विच रूल्स एंड रेगुलेशन करके बैरियर आते हैं। एग्जाम्पल जिमें मीडियम जी असी कह दिए कि मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन मीनस कि किस लैंग्वेज विच कम्युनिकेट किया जाएगा, अगर किसी कंपनी विच सपोज करो रूल हैगा कि कम्युनिकेशन इंग्लिश विच कीती जाएगी, जे इंपलॉय नू किसी इंपलॉय नू इंग्लिश नहीं आती तो वह कम्युनिकेट नहीं कर पाएगा, तो एक तरह का यह भी क्या हैगा बैरियर हैगा। नैक्सट हैगा बच्चे लैक ऑफ ट्रांसमिशन एंड पुअर रिटेंशन, ठीक है। जदों एक मैसेज कई इंपलॉयज़ के थ्रू होके अगर मीनस अगे जाता हैगा तो उस मैसेज का हौली हौली मीनिंग क्या होंदा है बच्चे चेंज होंदा जाता हैगा अते हर इंपलॉय पूरी इनफॉर्मेशन रिटेन नहीं कर पाता, ठीक है। असी हर इनफॉर्मेशन अपने माइंड विच रिटेन नहीं करके रख सकते, तो जिवें जिवें मैसेज अगे फ्लो हुंदा जाता हैगा तो इनफॉर्मेशन क्या होंदी है कटदी जाती हैगी है, तो यह भी क्या हैगा एक तरह का बैरियर हैगा बच्चे। नैक्सट हैगा बच्चे कंपलैक्सिटी इन ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, ठीक है। जिन्ने ज़्यादा एक ऑर्गेनाइजेशन विच मैनेजीरियल लैवल होंगे हैगे हैं वो ही ऑर्गेनाइजेशन उन्ना ही साडा ऑर्गेनाइजेशन जिहड़ा स्ट्रक्चर हैगा कंपलैक्स हुंदा जांदा हैगा, ठीक है। तो इस नाल कम्युनिकेशन क्या हुंदी है बच्चे डिले हुंदी जांदी हैगी है अते रिसीवर तक पहुँचते पहुँचते वो मैसेज क्या हो जाता हैगा चेंज हो जाता हैगा, ठीक है। जिहड़ी सो कॉम्पलैक्सिटी इन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर भी एक क्या हैगा बैरियर हैगा वा, ठीक है। नैक्सट पॉइंट है बच्चे ऑर्गेनाइजेशनल फैसिलिटीज़, ठीक है। अगर इंपलॉय कॉल कम्युनिकेशन फैसिलिटीज़ पूरियां ना हो तो कम्युनिकेशन विच क्या होंदी है प्रॉब्लम आती हैगी है, ठीक है। तां वी एक तरह का बैरियर हैगा। नैक्सट हैगा बच्चे तुहाडे कोल परसनल बैरियर्स, ठीक है। परसनल बैरियर क्या होंगे ये बैरियर डायरैक्टली सेंडर ते रिसीवर नाल कनैक्टिड होंगे हैगे हैं, ठीक है। ये अगे दो पार्ट्स विच डिवाइड है बैरियर रिलेटिड टू सुपीरियर्स एंड बैरियर रिलेटिड टू सबॉर्डिनेट्स। हुण असी गल करूंगे बैरियर रिलेटिड टू सुपीरियर्स। फर्स्ट पॉइंट है फीयर ऑफ चैलेंज ऑफ अथॉरिटी, ठीक है। हुण कई बार मैनेजर कैपेबल नहीं हुंदा तां वो अपने आइडियाज़ अते सजेशंस इंपलॉयज़ नूं नहीं दिंदा, ठीक है, क्योंकि उसनों डर हुंदा हैगा कि अगर वो अपने आइडियाज़ अते सजेशंस इंपलॉय नूं देवेगा तां इंपलॉय नूं उसकी वीकनेस का पता लग जाएगा, तो इस डर करके सुपीरियर कम्युनिकेट ही नहीं कर पाता, तां वी एक तरह का बैरियर हैगा। अगे नैक्सट पॉइंट है बच्चे लैक ऑफ कॉन्फिडेंस इन सबॉर्डिनेट्स।
ਹੁਣ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਟੌਪ ਲੈਵਲ ਸੁਪੀਰੀਅਰ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਲੋਅਰ ਲੈਵਲ ਜਿਹੜੇ ਲੋਅਰ ਲੈਵਲ ਇੰਪਲੋਏ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਘੱਟ ਕੈਪੇਬਲ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਟੌਪ ਲੈਵਲ ਸੁਪੀਰੀਅਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸ਼ੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਇੱਕ ਬੈਰੀਅਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਦਾ। ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ ਬੱਚੇ ਬੈਰੀਅਰ ਰਿਲੇਟਿਡ ਟੂ ਸਬੋਰਡੀਨੇਟਸ। ਫਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਅਨਵਿਲਿੰਗਨੈਸ ਟੂ ਕਮਿਊਨੀਕੇਟ। ਹੁਣ ਕਈ ਵਾਰ ਸਬੋਰਡੀਨੇਟ ਸੁਪੀਰੀਅਰ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਬੋਰਡੀਨੇਟ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੈਗੇਟਿਵਲੀ ਅਫੈਕਟ ਕਰੇਗੀ, ਉਹ ਇਸ ਡਰ ਤੋਂ ਉਹ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਛੁਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਫੈਕਟਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਇਹ ਇੱਕ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਬੈਰੀਅਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਬੱਚੇ ਲੈਕ ਆਫ ਪ੍ਰੋਪਰ ਇਨਸੈਂਟਿਵਸ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸਬੋਰਡੀਨੇਟਸ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੁਜੈਸ਼ਨਸ ਅਤੇ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਨੂੰ ਜੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਨੂੰ ਜਾਂ ਇਗਨੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਸਬੋਰਡੀਨੇਟਸ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਪਰ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਸੁਪੀਰੀਅਰ ਤੱਕ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਉਹ ਸੁਪੀਰੀਅਰ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਔਰਗਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਬੈਰੀਅਰ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਬੱਚੇ ਹੈਗੇ ਆ ਮੈਜਰਸ ਟੂ ਓਵਰਕਮ ਦੀ ਬੈਰੀਅਰ ਆਫ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਬੈਰੀਅਰਸ ਨੂੰ ਓਵਰਕਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਫਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਕਮਿਊਨੀਕੇਟ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਨੀਡ ਆਫ ਦੀ ਰਿਸੀਵਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਆ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸੈਂਡ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਰਿਸੀਵਰ ਦੀ ਨੀਡ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਸੈਂਡ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਡਰ ਹੈਗਾ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੀਪੇਅਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਰਿਸੀਵਰ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਸਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਨਹੀਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਮੈਸੇਜ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਪੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਲੈਵਲ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਰਿਸੀਵਰ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਕਿਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਦੀ ਨੀਡ ਆਫ ਰਿਸੀਵਰ। ਸੈਂਡਰ ਨੂੰ ਰਿਸੀਵਰ ਦੀ ਨੀਡ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਮੈਸੇਜ ਨੂੰ ਸਟਰਕਚਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ, ਨਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਨੀਡ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ ਬੱਚੇ ਕਲੈਰੀਫਾਈ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਬਿਫੋਰ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸੈਂਡਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਸੀਵਰ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਤੋਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਦੱਸ ਪਾਏਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ, ਜਾਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਪਾਏਗਾ ਕਿ ਜੋ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਪਰ ਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਮਿਊਨੀਕੇਟ ਕਰ ਪਾਏਗਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬੀ ਅਵੇਅਰ ਆਫ ਲੈਂਗੁਏਜ ਟੋਨ ਐਂਡ ਕੰਟੈਂਟ ਆਫ ਮੈਸੇਜ। ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦਾ ਟੋਨ ਅਤੇ ਮੈਸੇਜ ਦਾ ਕੰਟੈਂਟ ਦੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੈਸੇਜ ਦਾ ਕੰਟੈਂਟ ਕਿਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਰੀਫ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸ਼ੋਰਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਨਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮੈਸੇਜ ਕਨਵੇ ਕਰੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਮੋਟਿਵ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਨਾ ਆ ਪਾਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਸੇਜ ਕਿਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੋਰਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਰੀਫ ਮੈਸੇਜ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਟੈਕਨੀਕਲ ਵਰਡਸ ਹੈਗੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਟੈਕਨੀਕਲ ਵਰਡ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂ ਇੰਪਲੋਈਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਟੈਕਨੀਕਲ ਵਰਡਸ ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਅਤੇ ਮੈਸੇਜ ਕਿਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ, ਕਲੀਅਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਹੈਗਾ ਬੱਚੇ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਫੋਰ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਐਜ਼ ਵੈਲ ਐਜ਼ ਫੋਰ ਫਿਊਚਰ। ਹੁਣ ਜਨਰਲੀ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਪਰ ਕੰਸਿਸਟੈਂਸੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਕੰਸਿਸਟੈਂਸੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਫਿਊਚਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਨਰਲੀ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਕਿਆ ਹੁੰਦਾ ਬੱਚੇ, ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਆ ਕਰਕੇ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕੰਸਿਸਟੈਂਸੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਫਿਊਚਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ ਬੱਚੇ ਇੰਸ਼ੋਰਸ ਪ੍ਰੋਪਰ ਫੀਡਬੈਕ। ਹੁਣ ਇੰਸ਼ੋਰਸ ਪ੍ਰੋਪਰ ਫੀਡਬੈਕ ਵਿੱਚ ਕਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਫੀਡਬੈਕ ਦਾ ਪਰਪਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਰਿਸੀਵਰ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਸਮਝਣ ਲਈ ਸਮਝ ਲਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿ ਉਹਨੇ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਮੈਸੇਜ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਿਆ ਹੈਗਾ ਰਿਸੀਵਰ ਨੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਰਿਸੀਵਰ ਦੇ ਫੇਸ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਸਨੇ ਮੈਸੇਜ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਲਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਜੇ ਮੈਸੇਜ ਰਿਟਨ ਫੋਰਮ ਵਿੱਚ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਫੀਡਬੈਕ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰ ਵੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਬੈਰੀਅਰ ਵੀ ਅਰਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਫੀਡਬੈਕ ਵੇ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਉਹਨੇ ਸਮਝ ਲਿਆ ਉਸ ਵੇ ਨੂੰ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ ਗੁੱਡ ਲਿਸਨਰ। ਹੁਣ ਸੈਂਡਰ ਨੂੰ ਅਤੇ ਰਿਸੀਵਰ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਗੁੱਡ ਲਿਸਨਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਡਰ ਮੈਸੇਜ ਕਨਵੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਰਿਸੀਵਰ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਅਤੇ ਰਿਸੀਵਰ ਨੇ ਵੀ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਕਿਆ ਲੈਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫੀਡਬੈਕ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੋਨੋਂ ਕਿਆ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ, ਗੁੱਡ ਲਿਸਨਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ,